पूरा गिर गया, पूरा गिर गया। इधर सर राइट साइड देखिए, आपको जितने भी घर दिख रहे हैं सर, बिल्कुल पहाड़ी की सेंटर में, बिल्कुल पानी के नजदीक सर। ये लोग के लिए तो भी रोड बनेगा ही नहीं ना इतने पानी में, तो नहीं बन पाएगा। कितना सर ये भी क्या होता है सर, आज तक तो बना नहीं, आगे गवर्नमेंट चाहे करने गए तो बहुत कुछ हो सकता है सर, गवर्नमेंट ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा गांव भी सर इधर अंदर की साइड में सर, हम लोग भी गांव की बोट मारने जाते हैं। बोट में जाते हो आप भी? खेती बाड़ी सर सर ना के बराबर है सर, लगभग थोड़ा बहुत बीजी ने उगाया हो तो सब्जी वगैरह लगा ली तो लगा ली, तो बाकी खेती बाड़ी सर नहीं रही। नहीं ये आप लोगों ने यहाँ समझ लो जैसे ये है ना, ये घास लगा है ना, तो ऐसा बहुत जगह देखा खेती किया है। इतने से गुजारा थोड़ा चलेगा सर, एक महीना निकल जाएगा, दो महीने निकल जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। मैंने अभी ऊटी में इजराइल की तरह खेती कर दिया। ज्यादातर यहाँ पे लोग तो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, टूरिस्ट के पे ही चलते हैं। पूरे साल आते हैं इधर? पूरा साल तो नहीं है, पर जो मेन सीजन है सर पूरे साल में ढाई तीन महीने ही चलता है सर, तो उसमें सब चलते हैं पूरे साल का। जी सर, जो सीजन टाइम कमा लिए उसके बाद पूरा साल उसी में चलते हैं, उसी में चला जाएगा। पर क्या है कि यहाँ की लाइफ जो है बिल्कुल सिंपल है सर, इतने खर्चे नहीं है जिसके लिए कि ज़्यादा किए जाए, नॉर्मल खाना पीना है सर, ना इतना शौक है कि इधर घूमना है, इधर जाना है, ये लगाना है, वो सिंपल लाइफ है। और यहाँ पे लॉन्ग लाइफ भी सर 100 प्लस ही रहता है सर, अभी भी मेरे गांव में सर 125 साल का बुजुर्ग है सर, आइडिया लगा सकते हैं सर। देखो सर आपके शहरों में पैसा तो बहुत ज़्यादा होगा सर, पर मेरे ख्याल से लाइफ कुछ भी नहीं होगा। हर किसी को देखो सर छोटी मोटी बीमारी लगी होगी इधर, एक तो हॉस्पिटल बहुत कम है सर, यहाँ से चंबा जाओगे तो हॉस्पिटल